शीला, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग कुकिंग विद शीला चैनल पर। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज के वीडियो में आपको मिक्सिंग देखने को मिलेगी, कुकिंग भी मिलेगी देखने को, डिश भी आपको सीखने को मिलेगी, और मैं बाहर गई हूँ वहाँ का भी कुछ बात आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे सुबह के बजे हैं अभी 4:30 और मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ, देख सकते हो आप। दरअसल मैं जा रही हूँ लखनऊ, तो सुबह 5 बजे ही मुझे घर से निकलना था, 5:30 बजे की ट्रेन थी और मैं पहुँच गई स्टेशन पे। थोड़ा सा ट्रेन लेट हो गई थी और पर कोई नहीं, टाइम से आ गई थी और मैं बैठ लिया हूँ, निकल ली हूँ। और साथ में मेरा बच्चा भी है, पर उसका वीडियो नहीं बनाया मैंने। और आप देख सकते हो बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, सूर्य भगवान भी नहीं निकले थे, तो बिल्कुल सुंदर सी हरियाली, इस समय क्योंकि धान का सीजन चल रहा है तो बहुत सुंदर सी हरियाली देख के सुबह सुबह उसकी बूंदें पड़ी हुई, बहुत ही मन खुश हो गया। जल्दी उठ के निकलने में तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, पर ऐसा नज़ारा देख के मन बिल्कुल प्रफुल्लित है। और देखिए सूर्य अब हल्के हल्के से दिख रहे हैं, और सच बताऊँ मुझे तो हरियाली से इतना ज़्यादा लगाव, इतना ज़्यादा प्यार है, बहुत ज़्यादा प्यार है मुझे हरियाली से, बहुत अच्छी लगती है। उसके बाद फाइनली पहुँच गए हम लखनऊ रेलवे स्टेशन और ट्रेन से उतर लिए, अभी जा रहे हैं हम लोग बाहर। तो जो लोग बाहर से हैं, लखनऊ के नहीं हैं, कौन कौन लखनऊ रेलवे स्टेशन आया है मुझे कमेंट करके बताइएगा। और यहाँ पे देख सकते हो हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हमारा हो गया, तो अभी हम निकल रहे हैं लखनऊ से फिर घर के लिए। फिर अगले वीडियो में कभी बताऊँगी कि मैं क्यों बार बार दौड़ के लखनऊ जा रही हूँ। और इस समय मैं हफ्ते में 2 या 3 दिन तो जाती ही जाती हूँ। मैं डेली का आपके साथ नहीं शेयर करती हूँ, क्या डेली नहीं शेयर करना, पर हफ्ते में 2 बार तो मेरा हो ही जाता है जाना। तो अभी फाइनली हम लोग आ गए हैं घर, और इतनी थकान लगती है, सुबह 3:30 बजे ही उठ जाना, फिर बच्चों के लिए खाना बना के रखना, तैयार होना, निकलना, उसके बाद जब वापस आओ ना बहुत ज़्यादा थकान लगती है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और भी सारा सामान निकाल के रख दूँगी, थोड़ा सा फ्रेश होंगे उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। दोस्तों मैं आ गई हूँ घर, पहुँचते पहुँचते शाम हो गई, मेरे को 5:30 बज गए। पर क्या ना सुबह जल्दी जाओ और फिर मतलब पूरा दिमाग ना, तो मुझे बहुत थकान, मेरा सर बहुत तेज से पेन हो रहा है, पर भूख भी बहुत जोरों की लगी। तो चलिए देखते हैं बिट्टू ने क्या बनाया है, खा लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद कुछ टाइम रिलैक्स करूँगी। और आपको तो वो वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता तो प्लीज़ लाइक किया करें और सब्सक्राइब भी किया करें जो लोग चैनल पर पहले। बना रही हो खाने में दाल वगैरह सब बन गई? चलो रोटियां निकाल दो मैं खा लूँ। अभी बिट्टो हैं तो बना दी, हेल्प हो जाती है, नहीं तो आओ तो फिर खाना बना के फिर कुछ बना के जाती हूँ। ये थी तो मैं चली गई थी। चले कपड़े चेंज करेंगे, थोड़ा सा नहाएंगे क्योंकि बहुत सा भारी भारी लग रहा है, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। उसके बाद ना मैं सीधे आपसे दूसरे दिन मिल रही हूँ। कुछ हेल्दी सा बच्चों का खाने का मन है तो मैं बना रही हूँ सूजी के अप्पे। मैंने तो फिर उस दिन मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, तो सो गई, हिम्मत ही नहीं हुई दोबारा कुछ वीडियो ग्राउंड करने की। तो यहाँ पर बच्चों ने बोला कि मम्मी सुबह मुझे कुछ हेल्दी भी चाहिए और टेस्टी भी चाहिए, तो आप कुछ हेल्दी और टेस्टी सा बनाइए। तो यहाँ पर मैंने सूजी के अप्पे बनाया है, तो सूजी में मैंने दही ले लिया है। अगर 1/4 मतलब जो है 2 कटोरी आप सूजी ले रहे हो तो 1/2 कटोरी या खाली खाली 3/4 कटोरी भी आप दही ले सकते हो। उसके साथ यहाँ पानी डाल के, नमक डाल के सूजी का एक गाढ़ा पेस्ट बना के इसको हम आधा घंटा के लिए या फिर 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और मैं वेजिटेबल अप्पे बनाऊंगी टेस्टी के साथ, मुझे हेल्दी भी बनाने हैं क्योंकि बच्चे ऐसे सारी सब्ज़ियाँ नहीं खाते, पर अप्पे वगैरह में मैं ऐसे बनाती हूँ तो सारी सब्ज़ियाँ खा लेते हैं। यहाँ पे कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल लिया, उसमें जीरा, हींग, लहसुन और हरी मिर्च, अदरक का पेस्ट, सारा कुछ डाल के इसको हल्का सा पकाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर जाएंगे प्याज बारीक कटा हुआ, तो ढेर सारा प्याज हम डाल रहे हैं। और ये ना कड़ी लीफ मैं डालना पहले भूल गई थी, तो आप जब तेल लहसुन वगैरह पकाते उसी के साथ पका लेना, तो मैं यहाँ पे बाद में डाल दी हूँ। और उसके बाद यहाँ पर अब डालेंगे ढेर सारी सब्जियाँ। तो यहाँ पे मैंने कद्दूकस किया हुआ है, गाजर को आप बारीक बारीक कट भी कर सकते हो, और शिमला मिर्च, टमाटर ये सब कट करके लिया है मैंने।
सब्जियों को प्याज में डालेंगे और हाई फ्लेम पर इनको भूनेंगे, क्योंकि इनको ढक के हमें पकाना नहीं है, बस हल्का सा हम सॉफ्ट करते हैं। साथ में फ्रोजन मटर डाल रहे हैं हम। अगर आप कच्ची मटर ले रहे हो तो उसको हल्का सा बॉयल कर लीजिए। ये फ्रोजन पकी हुई ऑलरेडी घर की मटर है जो मैंने ठंडियों में स्टोर की थी, अभी तक मेरी वही मटर चल रही है। तो यहाँ पे मैंने हाई फ्लेम पर नमक भी डाला था यहाँ साथ में, और मसाले मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं ऐड किए, सिर्फ नमक डाला था और कोई मसाला मैंने नहीं डाला है, क्योंकि अप्पी में ज़्यादा मसाले नहीं पड़ते हैं। सिर्फ सब्जियों को मैंने नमक डाल के सॉफ्ट किया है। और अब इन सब्जियों को हम मिक्स कर देंगे, जो हमने सूजी भिगो के रखी थी फूलने के लिए, तो अच्छे से सूजी फूल चुकी है। अब इसमें सारी सब्जियां अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके साथ यहाँ से पे डालेंगे थोड़ी सी काली मिर्च जाएगा, अगर आप पसंद है तो डालिएगा, वैसे टेस्ट इसका बहुत अच्छा लगता है। और कटा हुआ हरा धनिया जाएगा इसमें। साथ में ये मैंने एक इनो का शीशी लिया है, तो इसको मैंने हाफ डाला हुआ है, इसको फुल नहीं डाला मैंने, हाफ डाला है, हाफ रख दिया। और थोड़ा सा पानी ऊपर इस पर करेंगे डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे। इससे क्या होता है ना, अप्पे बहुत ही सॉफ्ट फूले फूले बनते हैं, अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप्पे पैन रख दिया है। अब डालूंगी हल्का सा तेल, या फिर आप इनको ग्रीस भी कर सकते हो, पर क्योंकि इस पैन में तेल बहुत कम लगता है। और जो बैटर हमने मिक्स करके रखा है सारा अप्पे पैन में डाल दूंगी। डाल के इसको ढक्कन लगा के 5 से 10 मिनट की मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने देखना, देखिएगा आपके अप्पे बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत ही हेल्दी होते हैं, बच्चों के बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। एक बार आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, देखिए ऐसे गोल्डन गोल्डन पक चुके हैं। अब इनको हम निकाल के बच्चों के चटनी के साथ, सॉस के साथ, या फिर आप दही के साथ, मतलब किसी भी चीज़ के साथ दे सकते हो जिससे आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं। तो आज मैंने सिर्फ सॉस के साथ दिया, कोई चटनी नहीं बनाई थी मैंने, ग्रीन चटनी भी नहीं बनाई थी। और बच्चों को नाश्ता बना के यहाँ पर मैं पी रही हूँ अपना मौसम्मी का जूस। मैं सुबह सुबह डेली एक गिलास ले लेती हूँ, और नाश्ते में इस समय मेरा बहुत लाइट नाश्ता रहता है। मैं अगर आप बोलोगे तो अपना डाइट चार्ट भी आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं, बहुत लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, आपका वेट बहुत लूज हो रहा है। तो मैं किसी दिन अपना पूरा वेट लॉस जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करो, और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।